हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णेंद्र, आप सभी का स्वागत है मेरे लाब्सगार्डन यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एडेनियम प्लांट के बारे में, यानी डेजर्ट रोज प्लांट के बारे में, कि इस प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं, इसका मिट्टी कैसा होना चाहिए, इसको कहां पर रखना है, इसमें पानी कैसे दिया जाए और इसमें कैसे फर्टिलाइज करें, यानी एक एडेनियम प्लांट को सक्सेसफुली कैसे ग्रो करें, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हो, दो एडेनियम प्लांट मैंने रखा है और इसे मैंने 3-4 दिन पहले एक नर्सरी से लेकर आया हूँ। और इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया क्योंकि इसको मैं इस पॉट में शिफ्ट करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो दोनों प्लांट है, ये दो प्लांट ही सिंगल पेटल का है और ये आप देख सकते हो, ये रेड कलर में है और ये आप ये पिक्चर देख रही हो, ये इस कलर में आएगा और इसका नाम है मिस इंडिया। तो ये बहुत ही रेयर वैरायटी है और मुझे मिल गया तो मैं ख़रीद लिया, क्योंकि प्लांट थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी ये नहीं मिलता ज़्यादातर नर्सरी में, तो मैं इसे ख़रीद लिया। तो आज हम इस दोनों प्लांट को इस पॉट में लगाएंगे। फ्रेंड्स, एडेनियम प्लांट को बहुत तरीक़ों से लगाया जाता है, अब जैसा भी सॉइल तैयार करेंगे उसमें ये फिट हो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादातर फूल लेने के लिए और इसके कॉटेक्स मोटा करने के लिए आपको कौन सी सॉइल तैयार करना है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, एडेनियम को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा इसके पॉट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने शैलो पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मेरे सारे प्लांट को शैलो पॉट में ही लगाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारा पॉट है ये 3 इंच बाई 6 इंच है, क्योंकि एडेनियम को उसकी हाइट और उसके कॉडेस को नज़र रखते हुए उसके पॉट सिलेक्शन होती है। तो यह छोटा प्लांट है इसलिए मैंने 6 इंच बाई 3 इंच का पॉट ले लिया है। अगर ये थोड़ा सा मैच्योर यानी थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता तो मैं 5 इंच बाई 8 इंच का जो पॉट आती है, या 4 इंच बाई 8 इंच जो पॉट आती है, बिल्कुल इस तरह से ही दिखते हैं, तो मैं उसमें ये प्लांट लगाता। लेकिन ये बहुत ही छोटा है इसलिए मैंने 6 इंच बाई 3 इंच पॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक बात फ्रेंड्स, इसकी कॉडेक्स मोटा करने के लिए आप हमेशा शैलो पॉट में ही लगाइए। और फ्रेंड्स, एडेनियम को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं इसकी मिट्टी, यानी इसकी सॉइल कैसा होना चाहिए। तो मैं जिस तरह से अपनी एडेनियम की सॉइल तैयार करता हूँ, चलिए वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो मिट्टी है, यहाँ पर मैंने मिट्टी ले लिया है 40%, ठीक है, और यहाँ पर 20% कंपोस्ट ले लिया है। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो, और मिट्टी आपके पास जैसा भी मिट्टी हो वो मिट्टी आप ले सकते हो, वो कोई भी मिट्टी हो तो चलेगा। उसके साथ ये जो बिल्डिंग करने वाले सैंड आती है लाल, ये सैंड आपने 20% रखा है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये ईंट का टुकड़ा है, जो ईंट होती है उसको टुकड़ा करके, बिल्कुल इस तरह से टुकड़ा करके मैंने 20% ले लिया है। तो हम इन सारे चीज़ों को मिलाएंगे तो एडेनियम की एक बहुत ही अच्छा सा सॉइल तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो 40% मिट्टी है इसे मैं ले रहा हूँ, मैंने 40% मिट्टी ले लिया है। और ये है कंपोस्ट, ये 20% कंपोस्ट को भी हम डाल रहे हैं। और ये है सैंड, ये भी हम 20% ले रहे हैं। और ये है ईंट का टुकड़ा, इसे भी हम 20% डाल रहे हैं। और इस मिट्टी के साथ हम कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, और वो है, ये है बोन मील, क्योंकि एडेनियम को बहुत ही बोन मील पसंद है, यानी हड्डी की चूड़ा। तो ये हम 1 टीस्पून है, तो और ये दो प्लांट है और इसे हम 6 इंच बाई 3 इंच में लगा रहे हैं, यानी हर एक पॉट के लिए हम 4 चम्मच यानी 2 टेबलस्पून, तो यहाँ पर मैंने टीस्पून ले लिया है, यानी 4 टीस्पून हम बोन मील डालेंगे। ये हो गया एक प्लांट के लिए। ये हमने 4 टेबल चम्मच बोन मील डाल दिया है। उसके बाद ये जो हॉर्न मील है ये हम डालेंगे हर एक प्लांट के लिए,
एक टेबल चम्मच डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून डाल देंगे। ये एक प्लांट का हो गया, ये 2 प्लांट का हो गया। उसके बाद ये है नीम की खली, और इसे डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा फंगल डिजीज़ से भी प्लांट को लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, और इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। तो इसे हम हर एक प्लांट के हिसाब से 1 टेबलस्पून डालेंगे, यानी 2 प्लांट के लिए 4 टीस्पून। तो ये हमारा इस एडेनियम की सॉइल एकदम रेडी है, और ये एक परफेक्ट सॉइल है। तो हम इसे चले मिला लेते हैं। तो ये हमारा सॉइल एकदम रेडी है। चलिए अब हम इस प्लांट को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉट्स तो ले लिया है, लेकिन उससे पहले इस प्लांट को हम इस मिट्टी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये एडेनियम है, इसे मिट्टी से निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मिट्टी से अगर निकल के रखेंगे तो ये कम से कम 15-20 दिन तक रहते हैं, तो उस पर ये मरता नहीं है। और ये जो मिट्टी है ये आप देख सकते हो, ये चिकना मिट्टी है। तो चिकनी मिट्टी में आप अगर एडेनियम ग्रो करेंगे तो ये सड़ सकता है, इसलिए हम ये जो मिट्टी है ये हम अलग कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस एडेनियम को लगा लेते हैं। लेकिन एडेनियम को लगाने के लिए सबसे पहले उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉटेक्स है ये सड़ जाती है पानी रुकने के लिए। तो इसको पानी अच्छी तरह से निकल जाए उस बारे में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो है ठीकरी जो पॉट का टुकड़ा है, इसे हम ये जो बीच वाला जो होल है इसमें रख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग करने वाले जो सैंड है इसके मदद से 1 इंच तक क्लियर बनाएंगे, ताकि ये एक फिल्टर की तरह काम करे और पानी के साथ साथ जो सॉइल है ये बाहर जाने से रोके। तो आप देख लीजिए बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारा सॉइल है ये हम इस पॉट में डाल देंगे। तो आप ऐसे ही एडेनियम के लिए इतना छोटा पॉट इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बड़ा पॉट का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि अगर बड़ा पॉट में छोटा प्लांट लगा दिया तो इसकी मॉइस्चर ज़्यादा होंगे और ये सड़ने का खतरा रहता है। ठीक है, और आप कोशिश करिए एडेनियम को बीच में लगाने की। तो मैं इस तरह से लगा दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स बात करते इसके पानी के बारे में, तो ये जो हमने सॉइल तैयार किया है ये बहुत ही स्पेशल सॉइल है, और जब आप इसकी मिट्टी ऊपर से सूख जाए यानी एकदम सूख जाए तभी आप इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो ईंट का टुकड़ा मैंने डाला है ये पानी निकलने में सहायता करती है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी पकड़ के रखती है और बाद में इस प्लांट को देती है। तो इसका मिट्टी जब एकदम सूख जाए तभी आप इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये हमारा एक लगाना हो चुका है। और फ्रेंड्स बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो इसमें आप केमिकल फर्टिलाइज़र थोड़ा सा कम यूज़ करिए। आप इसमें हर एक महीने में 1 टीस्पून बोन मिल, 1 टीस्पून नीम की खली और 1 टीस्पून आप हॉर्न मिल
ऐड करते रहिए एक, ये हर महीने अगर आप देते रहेंगे तो और कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप हर एक महीने में कोई भी एक फंगिसाइड का स्प्रे करते रहिए, क्योंकि इसमें फंगस लगता है और फंगस लगने से इसकी जड़ें सड़ जाती है और इसका फूल भी गिर जाती है। तो आप हर एक महीने में कोई एक फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहिए। तो ये हमने दो प्लांट को लगा दिया है। अब बात करते हैं इसको आप कहाँ पर रखेंगे। तो ये आप जानती हो कि ये रेगिस्तान का पौधा है, वहाँ पर पूरा दिन तक धूप मिलती है, तो इसलिए आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे ताकि इसमें पूरा दिन तक धूप मिले। तो अगर आप इसे छत पर रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन कम से कम 5 या 6 घंटे की धूप मिले तो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं इस प्लांट के कीड़े मकोड़े के बारे में। तो इस प्लांट में वैसे तो कोई कीड़े मकोड़े के अटैक होता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो महीने में एक बार इस पर नीम ऑयल के स्प्रे ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एडेनियम प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है, तो आप बिल्कुल इस तरह से इस एडेनियम को ग्रो कर सकते हो और बिल्कुल इसी तरह से आप केयर करेंगे तो आपकी प्लांट में फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करते हुए वीडियो आपको अच्छी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा, अपने दोस्तों पे शेयर करेगा, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बजा के ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।